उसमें हम लोगों ने बच्चे फर्स्ट प्रिंसिपल करा था। फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला रहता है वो हमारा रहता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स, ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला रहता है जिससे किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। आज हम डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स साइन एक्स का, वो भी किसका निकालेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालेंगे। एक्स साइन एक्स जो ही हमारा क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट रूल है। एक्स साइन एक्स इज प्रोडक्ट रूल। अब अगर मैं इसका प्रोडक्ट रूल से अगर डेरिवेटिव निकालूंगा, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, फर्स्ट फंक्शन आता है डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड आता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो क्या आंसर आ जाएगा, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये डेरिवेटिव हमारा किसका आ जाएगा, एक्स साइन एक्स का। ये तो प्रोडक्ट रूल से निकल गया फटाफट। पर आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि हमें फर्स्ट प्रिंसिपल तय निकालना है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल भी है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आएगा, निकालना है आप। इसके आप क्या करेंगे, पहले लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल डिवाइड बाय एच, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो जहां जहां पे एक्स है उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, एक्स प्लस एच पुट कर देंगे। एफ एक्स होता है एक्स साइन एक्स होल डिवाइड बाय एच। फर्स्ट स्टेप क्लियर है, फर्स्ट स्टेप क्लियर सबको। यहाँ पे आपके पास एक्स था, वहां पर हम लोग क्या कर देंगे, एक्स प्लस एच को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब फर्दर सॉल्व कैसे करें, अब ये साइन एक्स प्लस एच किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स प्लस एच से, तो एक बार एक्स इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा और एक बार एच पूरे से मल्टीप्लाई होगा, एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच प्लस एच को मल्टीप्लाई करेंगे एच इंटू साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स साइन एक्स होल डिवाइड बाय एच, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। अब क्या करें, क्या मैं साइन एक्स प्लस एच का फॉर्मूला लगा दूं, उससे बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैंने ऑब्जर्व क्या करा हुआ कि स्टार्टिंग में एक्स साइन एक्स प्लस एच एंड ये एक्स साइन एक्स, इन दोनों में से क्या था, मैंने एक्स कॉमन का आ रहा है, इन दोनों से एक्स कॉमन ले लेंगे, वापस बच जाएगा साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच होल डिवाइड बाय एच। मैंने क्या करना, ये एक्स साइन एक्स प्लस एच और एक्स साइन एक्स में से एक्स कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स। यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है। अब क्या करें, यहां पे साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जो कि हो जाएगा टू कॉस एक्स प्लस एच बाय टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाय टू होल डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या है एच है और यहाँ पे आपका क्या है प्लस प्लस एक्स साइन एक्स प्लस एच होल डिवाइड बाय एच। मैंने इस वाले स्टेप में क्या करा, एक तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है, साथ में ये जो एच था मैंने इसके साथ एच अलग कर दिया और इसके साथ मैंने एच को क्या कर दिया है, अलग कर दिया है, यहाँ पे एच से कंटिन्यू हो जाएगा। ये वाले स्टेप तक किसी बच्चे का कोई डाउट, ध्रुव आदित्य मनकीरत नव्या, यहां तक इस वाले स्टेप तक किसी का कोई डाउट, अकाल अब क्या करें, इसके बाद देखिए, अब यहां पे हमारे पास है एक्स मल्टीप्लाइड बाय टू, इसको मैं लिख देता हूँ सीधा, ये हो जाएगा टू एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स टू एक्स, टू एक्स बाय टू इज एक्स प्लस एच बाय टू इंटू साइन एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एच बाय टू प्लस, पीछे हमारे पास है साइन एक्स प्लस एच और यहाँ पे डिनोमिनेटर में एच भी है, ठीक है। अब साइन के साथ में क्या चाहिए होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन का जो आंसर भाई नीचे होना चाहिए, यहाँ h by 2 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, h by 2 होना चाहिए।
ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये वाला पार्ट करके हमारा कितना बच जाएगा, वन आ जाएगा। जब हम लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, x into cos x plus 0 plus sin x plus 0, तो हो जाएगा x cos x plus sin। फिर एवरीवन एक बार आप सॉल्व करो उसके बाद फिर हम दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। अभी मैंने x sin x कराया है, ऐसे मैं x cos x कराऊंगा आप लोगों को। अब इस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं बेटा। आपको डेरिवेटिव निकालना था x sin x का, फर्स्ट प्रिंसिपल से तो लिमिट x एक्सटेंडिंग डिजिटल f x plus h minus f x upon h, जहां जहां x cos की जगह x plus h सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर मैंने x into sin x plus h into sin x plus h minus x sin x, तो फर्स्ट लास्ट वाला और फर्स्ट में से x कॉमन है, sin x plus h minus sin x plus h sin x plus h होल डिवाइड बाय। अब इस वाले के अंदर हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला के लिए, sin x minus sin y का फॉर्मूला 2 cos x plus y by 2 into sin x minus y by 2, डिनोमिनेटर हमने सेपरेट कर लिए। इस वाले स्टेप में हमने एंगल को ऊपर से सेम बनाया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 से 2 कैंसिल, sin x by 2 equal to 1, cos x plus 0 is cos x, यहां पे sin x plus h है तो h को 0 पुट कर दो, sin x आ गया। क्लियर है अदर, किसी का कोई डाउट? ग्रेट, अब जैसे सॉल्व करो x cos x, x cos x के लिए हम सॉल्व करिए, यहाँ पर अगर x cos x तो एक दो स्टेप में इसी में चेंज कर देता हूँ, बाकी तो पूरे ही करेंगे सेम। करो भाई इस वाले स्टेप तक करो, इसके आगे तो कर दो मैं। याद हो गया सबका? पहले फॉर्मूला में f x plus h minus f x upon h, x plus h तो जहाँ जहाँ x plus लेंगे x plus h आ जाएगा, minus f x plus x cos x upon h, x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट एंड थर्ड को हमने एक साथ रखा, x कॉमन लिया, cos x plus h minus cos x plus h cos x plus h upon h। सॉल्व कर लो याद है, फिर आगे करें। तो बेटा इसके बाद आप देखिए यहाँ तो सबने कर लिया होगा। Now limit h tending to 0 x cos x minus cos y का फॉर्मूला अप्लाई करो, minus 2 into sin x plus y by 2 into sin x minus y by 2, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेंगे दोनों का साथ, हम h into cos x plus h upon h, h से h cancel। अब यहाँ पे सॉल्व करिए, x plus x 2x, 2x by 2 is 2, h आ जाएगा, सॉरी x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लिमिट h tending to 0 minus 2x into sin x plus h by 2, x से x cancel into sin h by 2 plus cos x plus h, और पहले वाले ब्रैकेट के साथ हमारे पास क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में h भी है सिमिलर। अब यहाँ पे h by 2 है तो 2 से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, ये हमारा sin h by 2 upon h by 2 हमारा 1 हो जाएगा, 2 से 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो जाएगा, माइनस x into sin x plus 0 plus cos x plus 0, so that x minus x sin x plus cos x, ले रहे नोट कर लो, नोट करके डन, तो नेक्स्ट करें हम लोग। अगर ये सबका नोट हो गया है यहां पे sin x plus cos x का डेरिवेटिव निकालिए, sin x plus cos x का डेरिवेटिव निकालो,
सबसे पहले फॉर्मूला लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स फोर डिवाइड बाय एच सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे हो जाएगा साइन एच प्लस कॉस एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स फोर डिवाइड बाय एच। अब अगर मैं एक्चुअल में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालता तो क्या निकलता? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब इसको सॉल्व करके वही आना चाहिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करें इसको? हाउ शुड बी प्रोसीड अहेड मनकीरत नव्या? साइन एक्स को साइन एक्स के साथ, साइन एक्स को साइन एक्स के साथ कर दें और कॉस एक्स को कॉस एक्स के साथ में पेयर अप कर देंगे। फिर जो भी फॉर्मूला लग रहा होगा साइन एक्स प्लस वाई या साइन एक्स माइनस वाई उसको अप्लाई कर लेंगे। साइन एक्स प्लस वाई एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स होल डिवाइड बाय एच। पेयर कर लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला दैट इज इनटू टू कॉस एक्स प्लस वाई बाय टू के डायरेक्ट से लिख रहा हूं मैं इनटू साइन एक्स माइनस वाई बाय टू एच बाय टू आ जाएगा होल डिवाइड बाय एच। एच को भी अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट है आपका कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला होता है माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई बाय टू जो कि हो जाएगा आपका एक्स प्लस एच बाय टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाय टू यहाँ पे भी आ जाएगा एच बाय टू होल डिवाइड बाय एच। अब यहाँ पे साइन एच बाय टू है टू से मल्टीप्लाई डिवाइड ये हमारा कितना आ जाएगा वन आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा वन आ जाएगा टू से टू कैंसिल यहाँ पे टू से टू कैंसिल हो जाएगा। लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो तो कॉस एक्स प्लस जीरो ये वन हो गया माइनस साइन एक्स प्लस जीरो तो फाइनल आंसर आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस का यही डेरिवेटिव है। करो फटाफट नोट करके डाल इन दी चैट बॉक्स। आदित्य नव्या सिद्धार्थ क्लियर है? अकाल करण मानवी मनकीरत Now we will solve, find the derivative of tan x, first principle से। ये बस हम लोग नोट कर लें, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नोट कर चुके हैं वो tan x का डेरिवेटिव निकालिए अपने आप। tan x मैंने बताया था जब लिख लोगे तो tan x को स्प्लिट कर लोगे आप sin x अपॉन cos x में तो उससे इजीली निकल जाएगा। इसमें टैन का तो डेरिवेटिव होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स लेकिन टैन को सॉल्व भी तो करना है। कैसे आएगा वो मैं आपको बता रही हूँ ना, उसको स्क्रिप्ट कर लेना साइन अपॉन कॉस को सिंपलीफाई करके और फिर एलसीएम ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा जल्दी। तो फॉर्मूला साइन एक्स प्लस एच अपॉन माइनस एफ एक्स अपॉन एच डेरिवेटिव हमने निकालना है टैन एक्स का। टैन एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है कितना होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। So limit extending to zero. This will be tan x plus h minus tan x upon में h आ जाएगा और tan जो है वो जन हमारा sin x plus h upon में cos x plus h sin x minus cos x whole divided by h limit extending to zero lcm लो ये हो जाएगा cos x into sin x plus h minus sin x into cos
x plus h whole divided by LCM h cos x into cos x plus h. अब कैसे करें आगे? अब कोई फॉर्मूला लग रहा है? sin x minus sin x सब बार नहीं sin x minus sin x sin ब्रैकेट में x minus है. हाँ अब यहाँ पे फॉर्मूला किसका बन गया है? जब ये आ रहा है sin cos x sin y minus sin x cos y तो फॉर्मूला किसका है? sin x minus y का. very good. तो न्यूमरेटर में जो फॉर्मूला बन गया उसका बन गया sin x minus of y. सेकंड एंगल क्या x plus h जो कि हो जाएगा माइनस एक्स माइनस एच होल डिवाइड बाय एच इनटू कॉस एक्स प्लस एच. क्लियर है? हाँ गलत है ये. गलत क्या है कि जो ये वाला एंगल है इसको एक्स लेंगे और इस वाले को वाई लेंगे तो पहले हमारे पास क्या आएगा एक्स प्लस एच माइनस एक्स आएगा. न्यूमरेटर में ये गलत हुआ. यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा. अब आगे सॉल्व करो तो यहाँ पे उस कितना आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एच अपॉन एच इनटू कॉस एक्स प्लस एच. लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये वाला पार्ट में कितना आ जाएगा वन आ जाएगा. यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस एक्स इनटू कॉस एक्स प्लस जीरो कॉस एक्स इनटू कॉस एक्स इज कॉस स्क्वायर एक्स. और cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा secant स्क्वायर x. करिए इसको नोट करके डन इन द चैट बॉक्स. अब हम यहां पे डेरिवेटिव निकालेंगे cot का. cot x cot और cot हमारा किसके लिए होता है cos upon sin. सब कुछ सेम तो तरह का सब उल्टा हो जाएगा cos upon sin. यहाँ पे cos आ जाएगा यहाँ पे sin आ जाएगा. फर्दर इसके बाद LCM लेंगे यहाँ पे LCM लो. सरल सॉल्व करो बेटा कर लिया था आपने घर से ही. अरे समझ आ रहा है आपको? धारा आपने लास्ट क्लास मिस कर दी थी. एलसीएम लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन एक्स इनटू कॉस एक्स प्लस एच माइनस कॉस एक्स इनटू साइन एक्स प्लस एच होल डिवाइड बाय एच साइन एक्स इनटू साइन एक्स प्लस एच. दोबारा से फॉर्मूला जाएगा साइन एक्स कॉस वाई का जो कि हो जाएगा हमारा साइन एक्स माइनस वाई होल डिवाइड बाय एच साइन एक्स इनटू साइन एक्स प्लस एच. अब यहां पे आपके पास न्यूमरेटर में आपके पास एंगल बन जाएगा यहां एक्स एक्स कट जाएगा साइन ऑफ माइनस एच साइन ऑफ माइनस एच डिवाइड बाय एच इनटू साइन एक्स प्लस एच. अब यहाँ माइनस एच है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे सो दैट ये जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा ये वन आ जाएगा. एच को जीरो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ये हो जाएगा साइन एक्स इनटू साइन एक्स प्लस जीरो माइनस वन साइन एक्स इनटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स. वन अपॉन साइन कितना हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स. नोट कर लो नोट करके डाल दो चैट बॉक्स. हम लोगों का क्वेश्चन तो पूरा का पूरा बेटा कंप्लीट हो गया. एनसीईआरटी में एग्जांपल देखेंगे. एग्जांपल नंबर 20 है सर. नेक्स्ट पेज करो लेफ्ट वाले पेज पे एग्जांपल नंबर 20. एग्जांपल नंबर 20 पेज नंबर 314 इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में सेम आज के आ जाता है.
हम लोगों ने कवर अप कर लिए x sin x एंड sin x + cos x, हम लोगों ने कर लिए है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल में सेम एज इट इज आएगा। तो आपका इस वाले चैप्टर में डेरिवेटिव्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, स्पेशल रूल पढ़ा है, चेन रूल पढ़ा और फर्स्ट प्रिंसिपल। तो सेकंड टर्म का आपका यही है और ये हम आपका जो डेरिवेटिव्स वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने ट्रिक को एक बार अभी दोबारा रिवाइज कर लिया था, हम लोगों ने कॉम्बिनेशन कंप्लीट कर लिया, कोनिक कर लिया, डेरिवेटिव कर लिया, लीनियर फर्स्ट टर्म में कर लिया था वो हम रिवाइज कर लेंगे। इसके कोनिक सेक्शन था, मैं आज ही कोनिक सेक्शन दोबारा से रिवाइज करना स्टार्ट करवा रहा हूं, ठीक है। अभी हम कोनिक सेक्शन जो है वो आज से रिवीजन स्टार्ट कर लेंगे। मोस्ट वेली कोनिक जो है रिवाइज कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी जल्दी का मतलब आपका नेक्स्ट क्लास में आपका खत्म हो जाएगा, कोनिक रिवाइज हो गए, सो दैट हम वेडनेसडे को भी टेस्ट दे सकेंगे। तो वेडनेसडे को टेस्ट जो रहेगा हमारा किसका रहेगा, वेडनेसडे रख दूं या फ्राइडे रख दूं टेस्ट? डेरिवेटिव्स की लोगेशन किसमें है? डेरिवेटिव प्लस कोनिक, डेरिवेटिव प्लस कोनिक रहेगा, डेरिवेटिव प्लस कोनिक का टेस्ट रहेगा। तो वेडनेसडे ठीक है या फ्राइडे ठीक है? फ्राइडे कर दूं? तो नेक्स्ट फ्राइडे जो है आपका लोगों का टेस्ट रहेगा। आज 17th 17th 7 24 का आप लोगों का टेस्ट रहेगा। तो हम लोगों ने अब कोनिक सेक्शन रिवाइज कर रहे हैं। अब कोनिक सेक्शन जो है वो चैप्टर में आपका चार पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है चैप्टर का सर्कल, फिर है पैराबोला, नेक्स्ट इज हाइपरबोला और एक है एलिप्स। चार पार्ट है इसके। हम लोग आज कोशिश करेंगे कि इसके दो पार्ट्स कवर अप कर लें। कौन कौन से? एक पैराबोला कवर कर लें और एक एलिप्स कवर अप कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैराबोला की। पैराबोला के चार शेप्स होते हैं और अगर इसकी चार शेप होंगी तो सबका जो इक्वेशन होगी वो भी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। अगर कर्व राइट साइड पे है तो इसकी इक्वेशन होगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और अगर कर्व लेफ्ट साइड पे आ जाएगा क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। अगर कर्व ऊपर की तरफ है तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और नेक्स्ट हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay अगर बॉटम साइड पर रहेगा। नेक्स्ट, अब कोई भी एक पैराबोला जो रहेगा उसका कहीं ना कहीं पे आपका फोकस पॉइंट रहेगा जहां पे साइड लाइट रेज आके मर्ज कर जाएगी। जैसे आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सबका एक सेंटर रहता है जहां पे लाइट रेज साइड कन्वर्ट कर देगी, तो वो पॉइंट हो जाएगा फोकस। इसमें लेफ्ट साइड पर रहेगा, फोकस को हम लोग एफ से ही डिनोट करते हैं, फोकस को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। इस केस में फोकस राइट साइड पे है, एक्स एक्सिस पे है, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसके, a,0, इसके हो जाएंगे -a,0, ये ऊपर की तरफ आते हो जाएगा 0,a, ये बॉटम पे है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,-a, 0,-a, ये विजिबल नहीं है तो बड़ा लिख लेते हैं 0,-a। यहां तक क्लियर है? फर्दर, ओरिजिन से वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स बोलेंगे, वर्टेक्स से जितने डिस्टेंस पे आपका फोकस है उसके ऑपोजिट साइड पे ही उतने ही डिस्टेंस पे हमारी एक लाइन रहेगी जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्ट्रिक्स। ये राइट साइड पे है, ये लेफ्ट साइड पे है, इक्वेशन में देखिए x इज इक्वल टू माइनस है, इसमें फोकस लेफ्ट पे है, सेम इतने ही डिस्टेंस पे राइट साइड भी हो जाएगा x इक्वल टू a, दैट इज डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इस वाले कर्व में फोकस ऊपर है तो डायरेक्ट्रिक्स का होगा नीचे की तरफ, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस a। y इज इक्वल टू माइनस a, इसमें नीचे ही ऊपर की तरफ आएगा,
y is equal to n, डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा ये, क्लियर है? ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसका एक पार्ट रह गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? लेटेस्ट रेक्टम। अब लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास हो रही हो और कर्व को ओपन के दोनों तरफ टच कर रही हो। तो फोकस से लाइन पास हो रही है, ये हमारा क्या है? लेटेस्ट रेक्टम। लेफ्ट पे आएगा लेटेस्ट रेक्टम, दिस इज लेटेस्ट रेक्टम, ये है हमारा लेटेस्ट रेक्टम। और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ दैट इज इक्वल टू 2b² / a। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है बच्चे? 2b² / a। इसमें 4ax 4ax, यहां तक आप सभी को क्लियर है कि लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? एवरीवन, तो हर एक केस में सेम आएगा 2b² / a। और a हमेशा कर लेना पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, वो डिपेंडेंट रहेगा कि a किस तरफ आ रहा है। ठीक है, हां जी, कौन सी लेंथ? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² / a। ये गलत है, 4a² लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? क्या होता है? 4a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मींस 4a। चेक करो क्या है, 4a या 2b² / a है? 4a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब ये बात तो घरों ने सोची नहीं कि सर इसमें तो a आ रहा है, b तो है ही नहीं, तो 2b² / a कैसे हो सकती है? क्या हो जाएगा ये? 4a आएगा। देख लो, महीना वाले चैप्टर पढ़ा था तो सब भूल गए हो। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना हो जाएगा? 4a आ जाएगा। अभी देख लो गलत है तो, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक ही है। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। सपोज आपके पास एक इक्वेशन है x² y² = 8x, सबसे पहले इसका वर्टेक्स बताओ क्या होगा? y² = 8x का, और फिर फोकस निकालो और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालो। ये तीन चीजें निकालनी है इसमें से, एक तो निकालो वर्टेक्स, फोकस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, एंड फोर्थ में डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल लेना। पहले तो हम देखते हैं कि y² = 8x है, तो y² = 8x, चार आपके कर्व लिखवाए हैं, कहां पे रह गए? राइट साइड की तरफ रहेगा इसका ग्राफ, हो जाएगा y² = 8x। वर्टेक्स क्या होगी? ओरिजिन 0 0। सो वर्टेक्स हो गया ओरिजिन 0 0। फिर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दैट इज 4 into a। अब a क्या है? तो गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखेंगे, आ जाएगा 4 into 2 into x, जिससे a हमारे पास आ जाएगा 2। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितनी हो जाएगी? 4 into 2, विच इज इक्वल टू 8। फिर आपके पास रहेगा वर्टेक्स लेटेस्ट रेक्टम और क्या? डायरेक्ट्रिक्स के ओरिजिन, जहां पर जो ओरिजिन से पास हो रहा होता है, तो आपका उसमें क्या रहेगा? 0 रहेगा, 0 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 नहीं, वो फोकस होता है। अब डायरेक्ट्रिक्स इसका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगा? लेफ्ट साइड में। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x = -a, ये हो जाएगा -2। इसका फोकस, फोकस क्या रहेगा? 2, 0 रहेगा। फोकस है 2, 0। ठीक है, नेक्स्ट। Suppose we have x² = -9y, तो इसका ग्राफ का बनेगा बॉटम साइड का बनेगा
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस नाइन वाई, और इसमें ए निकालिए सबसे पहले। ए निकालने में क्या करोगे आप? हमारे पास स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होती है? फोर ए वाई, फोर ए वाई। मैंने क्या करा, फोर लिखा, फिर फोर को हटाना भी है तो यहाँ पे नाइन बाय फोर, नाइन दिखाई, फोर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, जिससे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? नाइन बाय फोर। इसका फोकस कहाँ पे होगा? नीचे की तरफ, फिर लगा जीरो कॉमा माइनस नाइन बाय फोर, जीरो कॉमा माइनस नाइन बाय फोर। अगर हम डायरेक्ट्रिक्स की बात करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स ऊपर की तरफ होगा, तो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू नाइन बाय फोर, वाई इज इक्वल टू नाइन बाय फोर। देन लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम फोर ए, फोर इंटू नाइन बाय फोर तो कितना आ जाएगा? नाइन आ जाएगा। एल एल आर जो कि आपके साथ जाएगा, नाइन आ जाएगा। नेक्स्ट कुछ रह गया? वर्टेक्स, वर्टेक्स रहेगी जीरो से लेकर, ठीक है, क्लियर है सबको? माइनस नाइन बस नहीं आएगी डायरेक्टली, डायरेक्टिक्स बेटा एक कर्व नीचे की तरफ है तो डायरेक्टिक्स ऊपर की तरफ होगा, तो पॉजिटिव है ना ऊपर की तरफ। यहां तक सभी को? आदित्य, नव्या, सिद्धार्थ, क्लियर है बेटा? तो ये जो एक्सरसाइज है हमारी, कौन सी एक्सरसाइज? पैरा बोला की 11.2। तो 11.2 पूरी की पूरी आपने घर पे दोबारा बैठ कर प्रैक्टिस करनी है। तो इतने इजी क्वेश्चन है इसके, तो कि आप 5 मिनट में, या 5 मिनट तो बहुत कम हो गया, 15 मिनट में पूरी पूरी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर सब में सिर्फ तीन ही आपको चीजें निकालनी है, सब में लेटर सेक्टर डायरेक्टर फोकस, बस यही निकालना है, ठीक है?